यूपी के प्रयागराज में प्राचीन नाग वासुकी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्राचीन नाग वासुकी मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त सातवें त्योहार के अवसर पर भगवान शिव और नाग वासुकी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए। आज सुबह प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखी गयी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव और नाग वासुकी का आशीर्वाद लेने के लिए लोग सुबह से ही कतार में खड़े थे। दरअसल इस अवसर पर तैयार किए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की तैयारी को दर्शाते हैं। नाग वासुकी मंदिर के मुख्य पुजारी श्याम धर ने ANI से बात करते हुए कहा, सनातन धर्म में नाग पंचमी का बहुत महत्व है। आज से ही सभी पर्व और त्योहार शुरू हो जाएंगे। नाग पंचमी के दिन सनातन धर्म नाग को देवता मानकर उसकी पूजा करता है। नागों के राजा नाग वासुकी का मंदिर प्रयागराज में गंगा तट पर स्थित है। पुजारी ने कहा, इस दिन बड़ी संख्या में लोग यहां प्रार्थना करने आते हैं और अपने परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। सनातन धर्म में सांप को पर्यावरण से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि धान की फसल की सुरक्षा में कोबरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह चूहों को मारता है। उन्होंने कहा, इस दिन प्रकृति से समृद्ध चीजें नाग देवता को अर्पित की जाती हैं। इस बीच भक्तों ने अयोध्या के शेष अवतार लक्ष्मण मंदिर में नाग देवता या नाग देवता की पूजा की। इस दिन दूर दूर से भक्त यहां आते हैं और भगवान लक्ष्मण को जल, दूध और कच्चे चने चढ़ाते हैं। त्योहार जो आज मनाया जा रहा है एक वार्षिक अवसर है जहाँ हिंदू सांपों की पूजा करते हैं। इसकी उत्पत्ति धर्म के शुरुआती दिनों से होती है। नाग देवता को दूध चढ़ाना इस त्योहार के प्राथमिक अनुष्ठानों में से एक है। नाग पंचमी से जुड़ी कई कहानियां हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बचपन में जब भगवान कृष्ण यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक पेड़ की शाखाओं में उलझ गई थी। गेंद लाने की कोशिश करते समय कालिया सांप ने उन पर हमला कर दिया। भगवान कृष्ण ने वीरता पूर्वक युद्ध किया और सांप ने उनसे उसे न मारने की विनती की। यह अवसर सबसे जहरीले सांप कालिया के खतरे से मानवता को बचाने में कृष्ण की सफलता का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। भारत में लोग नाग पंचमी पर जिन नाग देवताओं की पूजा करते हैं उनमें शेष कुछ है अनंत शेष, वासुकी, कंबाला, पधा और कालिया। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी पर सांपों को अर्पित की गई कोई भी चीज नाग देवताओं तक पहुँच जाती है, इसलिए भक्त इस दिन नाग देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में जीवित सांपों की पूजा करते हैं। नाग पंचमी के दिन पारंपरिक प्रसाद में खीर से लेकर मिठाई तक सब कुछ दूध आधारित होता है जिसे बाद में देवता को चढ़ाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए कई लोग उपवास रखते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। कुछ भक्त घर पर मिट्टी से सांप की मूर्तियां भी बनाते हैं। मूर्तियों पर फूल और दूध चढ़ाया जाता है और उन्हें सांप के बिलों या बिलों के पास रखा जाता है। घरों को रंगोली से भी सजाया जाता है।